आज आप सड़कों पे उतर आए हैं, क्या बात है? हम लोग को नीति नियोजन जल्द से जल्द लागू करें। खाली हम लोग का खिलवाड़ % खाली दलाली है, कोयला बेचो, बालू बेचो और युवाओं का बालू और कोयला के साथ युवाओं का जिंदगी बर्बाद। हाँ, जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हजारीबाग के सड़कों पर पूरी तरह से झारखंड के युवा वर्ग यहाँ पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार युवाओं को ठगने का काम करी जा रही है। जिस तरह से नियोजन नीति बार बार रद्द होते जा रही है, उस चीज को लेकर पूरी तरह से झारखंड के युवा यहाँ पे सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांग और अधिकार के लिए यहाँ पे सड़कों पर लोगों की भीड़ देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे टाइगर जयराम महतो भी आ चुका है, पहली बार झारखंड लोगों की कहना है कि हरिया सरकार नहीं चल रही, मतलब सरकार के खिलाफ पूरी तरह से नारेबाजी चल रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं गलत नीतियां दे रही है, जिसकी वजह से लोगों की ये सब कहने के लिए मजबूर कर दे रही है। जी हाँ, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस सरकार की मानसा। जी जवाहर भैया। जवाहर भैया, जवाहर, क्या है आज आप सड़कों पर उतर आए हैं, क्या बात है? हम लोग को नीति नियोजन जल्द से जल्द लागू करें। खाली हम लोग का खिलवाड़ हम लोग साथ में किया जा रहा है, स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ में। हम लोग जब चाह रहे हैं कि जब हम लोग वैकेंसी आती है फिर भी तुरंत रद्द कर देती कि कमियां खिल रही है, कमियां नहीं लागू हुए। नीति नियोजन का हर बार गलत साबित किया जाता, कोर्ट में रद्द कर दिया जाता है। सरकार की क्या कमी है जिसके वजह से रद्द हो रही है बार बार? सरकार में सब चीज कमियां कमी है, कोई बढ़िया चीज नहीं है। सब क्या, कौन ऐसा चीज है सरकार का जो बढ़िया गिना है? इसमें 100% खाली दलाली है, कोयला बेचो, बालू बेचो और युवाओं का बालू और कोयला के साथ युवाओं का जिंदगी बर्बाद। हाँ, जिंदगी बर्बाद, रोजगार छीन लो। तो युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है क्या सरकार? क्या 1% नहीं, 1% हम लोग देंगे तो बोल रही है बार बार, तो युवाओं को रोजगार देंगे बोल रही है। हेमंत सोरेन लिखित जारी करे कि 3 साल में सत्ता आने के बाद कितना रोजगार दिया है। एक खाली बकचोदी करता है, बकवास करता है, बकवास के अलावा और इसके पास कुछ नहीं करता है। जवाहर, फिर मिलेंगे आपसे। युवाओं का कहना है कि 3 साल सरकार हो गया लेकिन अभी भी 1% भी रोजगार नहीं मिली है। तो और लोगों से हम जानने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करेंगे। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, होपफुली देखते रहिए, लाइव सेशन को जुड़े रहिए। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस डिजिटल मीडिया साइट पर और यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल। दोस्तों, अभी हम हैं हजारीबाग में और यहाँ पे युवाओं का आक्रोश देख सकते हैं। जब टाइगर जयराम महतो एंट्री किए, पहली बार टाइगर जयराम महतो नियोजन पे बात करने के लिए पूरी सभा में आ चुके हैं और आने के बाद देख सकते हैं लोगों की भीड़। ये सब बेरोजगार युवा हैं जो अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं। जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट युवाओं को ठगने की काम कर रही है, नियोजन नीति को बार बार रद्द करते जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक जानने वाली विषय है। जिस तरह से लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं, दिखने में आ रहा है कि जितना भी युवा वर्ग हैं सब अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, इस बीच पूरे झारखंड के युवा यहाँ पे आक्रोशित के साथ अपना परिचय दे रहे हैं और टाइगर जयराम महतो भी आ चुके हैं, बीच में हैं जहाँ पे वहाँ पे सेशन चल रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आगे क्या कुछ होने वाली है। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहिए झारखंड प्लस डिजिटल मीडिया को। और तमाम दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो अपनी हक और अधिकार के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं और झारखंड की जो अपनी पहचान और अस्मिता है उसको बचाए रखें, और इसी की हक और अधिकार के लिए युवा वर्ग पूरी हजारीबाग के रोड को ब्लॉक करने के लिए आए हुए हैं। पूरी तरह से रोड पे पद यात्रा के साथ आने वाले हैं। तो चलिए, बने रहें, देखते रहिए झारखंड प्लस और पलटू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को।